है 5 बजे कैबिनेट की और 5:30 बजे राज्य मंत्री परिषद की बैठक है और बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर विचार विमर्श होगा। साथ ही साथ बैठक में 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर भी फैसला हो सकता है। बैठक में चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, प्रशासन गांव के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन और सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा करेंगे सीएम अशोक गहलोत। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति और वैक्सीनेशन की उपलब्धता को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो देखिए महत्वपूर्ण बैठक है आज, वैक्सीन चिरंजीवी योजना पर चर्चा करेंगे सीएम अशोक गहलोत और 5:30 बजे राज्य मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। तमाम मुद्दों पर आज सीएम अशोक गहलोत इस बैठक में चर्चा करेंगे। इंदिरा रसोई योजना पर भी चर्चा की जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको देखिए टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितने बजे महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी और तमाम कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। तो देखिए जिस तरीके से बैठक में ऊर्जा विभाग के पूर्व में संचालित योजना को बेहतर बनाते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लागू करने के संबंध में भी आज सीएम अशोक गहलोत जो है वो बैठक करेंगे और 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक वो भी आयोजित की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देंगे सहयोगी शशि मोहन शर्मा मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, देखिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है, क्या कुछ जानकारी चलकर सामने आ रही है शशि मोहन? देखिए बताया जा रहा है कि जो आज अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक है उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक है, इसमें आगामी विधानसभा सत्र को लेकर के चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो हर घर तक पहुंचने का जरिया बन सकती है सरकार के लिए। इस योजना के क्रियान्वयन में क्या खामियां हो रही है, किस तरीके से इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, कितना फ़ायदा इस योजना के जरिए अब तक लोगों को मिला है। देखिए पिछले दिनों जो कोविड के पेशेंट रहे और जो ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट रहे उनका कई अस्पतालों में इलाज हुआ, लेकिन उनके पास में चिरंजीवी बीमा योजना की पॉलिसी होने के बावजूद अस्पतालों ने उनसे पैसा चार्ज किया। इसको लेकर के कल ही देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से निर्देश दिए गए बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए। उन अस्पतालों को कहा गया कि ब्लैक फंगस के मरीजों से जो भी पैसा लिया गया और जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी थी उनको वो पैसा वापस करना होगा अस्पतालों को। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो पानी की समस्या आ सकती है, क्योंकि गर्मियों का समय आ रहा है, कंटीजेंसी प्लान बनाया जाना है, इसको लेकर के कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के समय समय पर विवाद आ रहे हैं, उसको लेकर के बातचीत आ सकती है। एक जो कृषि और पशुपालन मंत्री हैं लालचंद कटारिया, उन्होंने पिछले दिनों जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों के सामने कहा था कि VC उनकी बात नहीं सुनते। इस मसले पर आंशिक चर्चा हो सकती है, लेकिन वो चर्चा फीस बढ़ोतरी के मुद्दे के ऊपर सीमित रहेगी। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में किस तरीके से जो कांग्रेस का अभियान चल रहा है उसमें प्रभारी मंत्रियों की क्या भूमिका रहेगी, वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में संगठन के नज़रिए से भी थोड़ा ध्यान दें, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है जी। और देखिए शशि मोहन, आज का दिन राजस्थान के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि चिरंजीवी योजना की अगर बात कर ली जाए और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी आज मंथन सीएम अशोक गहलोत कर सकते हैं, कुल मिलाकर यह है कि आज का दिन बेहद खास राजस्थान के उन तमाम लोगों के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएं उनको सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी, तो आज इसको लेकर क्रियान्वयन सीएम अशोक गहलोत करेंगे। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी भी समीक्षा करेंगे। इसके साथ में देखिए जो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं उसके बाद ओपन जो अनलॉक की परिस्थितियां शुरू हुई उसमें अलग अलग बार मॉडिफाई तरीके से उसको लागू किया गया। अभी प्रदेश में 7 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं, पार्क्स भी खोल दिए गए हैं, और इसका दायरा किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। कल जो केस थे कोविड के
वो और कम हुए थे, इस नज़रिए से देखा जा सकता है। तकरीबन 47 केस कल आए थे, इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि क्या सुधार और किया जाए। गृह विभाग लगातार 3-4 दिन से इस पर एक्सरसाइज कर रहा है रोजाना के आंकड़ों को देखते हुए। हालांकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है उसको लेकर के अभी भी सावचेत बरतने के लिए सरकार कह रही है, और इसकी भी समीक्षा होगी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के और कितने मामले आए हैं पिछली समीक्षा से अब तक, और उसके बाद में आगे की पॉलिसी तय होगी अनलॉक को लेकर के कि और कितना दायरा बढ़ाना है। देखिए, तीन बातें मुझे आपसे जाननी है, शशिमोहन, मैं चाहूंगी संक्षेप में आप इसका जवाब दें। पहली जो है, ये आज 5:30 बजे राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी, इसमें क्या कुछ मंथन किया जाएगा? दूसरी बात ये कि आज मानसून सत्र को लेकर भी विचार विमर्श होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और तीसरी बात ये कि स्कूल खोलने को लेकर भी विचार विमर्श आज सरकार कर सकती है। देखिए, जहाँ तक मॉनसून सत्र की बात है तो विधानसभा के सत्र को बुलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत पहले ही कैबिनेट कर चुकी है। पिछले दिनों संसदीय कार्य मामलात विभाग में फाइल गई थी और ये फाइल मुख्यमंत्री के पास भी भेजी जा चुकी है। आज कैबिनेट में एजेंडे में ये बात शामिल है। मुख्यमंत्री ये तय करेंगे कब से सत्र बुलाया जाए और सत्र में फौरी तौर पर कौन कौन से बिल लेकर के आने हैं उसके ऊपर भी संक्षिप्त में बातचीत हो सकती है। जहाँ तक आपने स्कूलों की बात कही तो स्कूलों का मसला कल गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी में कि स्कूल संभवतः 15 जुलाई से खोले जा सकते हैं, लेकिन वो भी दायरा सीमित रहेगा क्लास 11 और क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उससे जो दूसरे स्टूडेंट हैं उससे छोटी उम्र के, उनके लिए अभी तक कोई वैक्सीन जैसी स्थिति नहीं आई है। कोई कोविड की अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों के ऊपर खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक किसी को नहीं पता है कि कब लहर आएगी, कितनी घातक होगी, क्या उसका वेरिएंट होगा उसका वायरस का, तो इस सब के ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि 15 जुलाई से कहा जा रहा है, लेकिन 15 जुलाई में भी अभी इसको और समय लग सकता है, क्योंकि समीक्षा की जाएगी। अभी जो केसेस आ रहे हैं उस केसेस की संख्या के आधार पर ये सब कुछ तय करता है। जी ठीक है, शशिमोहन, नजर बनाए रखिएगा खबर पर, कोई अपडेट होगी फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर, बहुत शुक्रिया। बढ़ते